अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू टीवी में। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ न्यूट्राइज वॉलनट कर्नल्स का रिव्यू। ये ब्रांड है न्यूट्राइज और इसके अंदर आपको वॉलनट के कर्नल्स मिलेंगे। कर्नल्स मीन्स जो अंदर की बादाम होती है वो बिना शेल वाला। तो इसका प्राइस और क्वान्टिटी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका क्वान्टिटी आप देख सकते हैं इधर 250 ग्राम्स है और प्राइस यहाँ पे 500 रुपीज़ है। पर ये 500 से दिखाने के लिए है क्योंकि इसका रुपीज़ 300 लिया है। और आप देख सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है, पैकेजिंग डेट वो फरवरी 2022 है, यानी 2024 तक इसका, यानी 2 साल ये टिकेगा, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। पर ये तो अगर आप रेगुलर खाएंगे तो 2 महीनों में ही से फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलनट के पास एक ग्रीन साइन है, ये दर्शाता है कि जो वेजिटेरियंस है वो इसे बखूबी खा सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन तो ऑफकोर्स खा ही सकते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। हमने पहले एक जियो मार्ट से लिया था, वो 500 ग्राम्स था और उसका प्राइस लगभग मुझे जितना याद आ रहा है 700 रुपीस लिया था। मैंने उसका भी रिव्यू आपको दिखाया हुआ है। तो वो भी ऐसा ही कर्नल्स था और वो फ्रेश था। तो अब इसे ट्राई करते हैं। ये भी काफ़ी फ्रेश है, जैसा स्वाद होता है ना सॉल्टी ना स्वीट, एकदम फीका फीका वैसा ही टेस्ट आ रहा है। आप चाहे तो सुबह खा सकते हैं खाली पेट में और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, इस तरह से आप एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बेसिकली जब आपको भूख लगे पर आप कैलोरी नहीं लेना चाहे तब आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी न्यूट्राइज वॉलनट कर्नल्स का। एंड ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ नेचुरल प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, ये इसका रिव्यू था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो बेशक कमेंट करें, हमें जानकारी देते हुए खुशी होगी। और अगर आपने इसे यूज़ करा है खाया है तो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें ताकि हमें बाकी व्यूअर्स को हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।